और स्वागत है आपका एक बड़ा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी तुम भाई गेम प्ले वीडियो में। और हाँ, तुम्हारे भाई पे AWM की नई स्किन आ चुकी है। और यार, जब से स्किन आई है स्नाइपिंग में अलग ही मजा आ रहा है। खैर, आज के वीडियो में यार कुछ आखिरी के बंदे हमसे टीम अप करना चाहते हैं क्योंकि मैं AWM चिपका देता हूँ उनके। खैर, वो सारे गलत सीन थोड़ा आगे जाके होंगे। फिलहाल यहाँ टेम्पल पे आए हैं और यहाँ पे बंदे ही बंदे हैं। कूद गया पेटी बन जीत गया। और यहाँ पे ऊपर से कूदना एक गलती में बदलने वाला था। और इस जगह पे अगर आप जल्दी से किल नहीं उठाते हो तो कोई और उठा लेता है। नीचे मार। और इस जगह पे आधे से ज्यादा बंदे तो निहत्ते ठिल जाते हैं। अब कुछ बंदे उतरते ठिल जाते हैं बगैर गन के, लेकिन यार कुछ बंदे बिल्कुल टोप में उतरते हैं और वहां पे गन के नाम पे कद्दू कुछ नहीं पड़ा होता। फिर वो देखते हैं कि यार उनके नीचे तो बंदे आ चुके हैं और उन पे गन पड़ी है, तो वो लोग वहीं कैंपिंग करके बैठ जाते हैं और बाद में निहत्ते ठिलते हैं। अब जैसे इस भाई को देख लो, बेचारा एक पिस्तौल के साथ थे। बाहर चला गया, वो मुंह के सामने बाहर चला गया मेरे। अब हमारे भाई के मुंह के सामने से कोई बाहर चला जाता है तो मेरे को लगता है यार ज्यादा से ज्यादा एक बंदा होगा। तो हाँ, इस पे हम अंधा रस करने वाले हैं साइड से घूम के। और यहाँ पे एक नहीं तीन तीन बंदे हैं। अब फुटस्टेप आए थे एक बंदे के, वो सामने दरवाजे में स्मोक बना देता है और गायब हो जाता है। जब तक हम घूम के आते हैं यार, वो एक से तीन में बदल जाते हैं और इनका आखिरी बंदा एक पिस्तौल पकड़ के ठिला, लगभग नहीं आता। अब इस जगह पे ठीक ठाक लूट मिल जाती है यार, लेकिन 20 बंदे 20 30 बंदों के लिए लूट कहाँ ही मिलेगी यहाँ पे। तो हाँ, आधे से ज्यादा निहत्ते ठिलते हैं और जो निहत्ते बच जाते हैं वो साइड के घरों पे जाते हैं और साइड की सस्ती गन पकड़ के यहाँ पे दोबारा हमला करते हैं। अब यहाँ पे मैं हीलिंग पहनता हूँ और ओपन में कोई ना कोई तो खड़ा है, खड़ा क्या लेट रखा है, और वहां से मेरे ख्याल से M16A4 चला रहा है तो उसको भी पकड़ना है। अब मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक गोली पेलता हूँ, लेकिन न जाने क्या ही सीन होता है यार, हम तीनों के तीनों पूरी चौड़ में आ जाते हैं और सीधा ओपन से भागते हुए रस कर रहे होते हैं। अब यार ज्यादा डैमेज दिया होता तो कुछ बात भी बनती, लेकिन हाँ, किस्मत सही होती है और हम पहुंच जाते हैं यहाँ तक। अब कुछ बंदे आते हैं टेंपल वाले इलाके पे ये सोच के कि भैया गन तो मिलेगी कम से कम, और वो निहत्ते ठिल जाते हैं। फिर आते हैं ये भाई लोग, ये यहाँ छोटे घरों पे उतरे और इन पे टेंपल वाले बंदों से ज्यादा महंगी गन पड़ी है, बहुत ही बढ़िया यार। M4 बैरल लेके बैठा एक बंदा। खैर, इनकी भी हम पेटी बना देते हैं और यहाँ पे न जाने क्यों ओपन में बंदे बैठे हुए होते हैं। अब हम करते क्या यार, हम तीनों की तीनों अलग अलग भागने लगते हैं गाड़ी ढूंढने के लिए, लेकिन यार मेरे सामने एक और टीम आ पहुंचती है। और ऐसी फायरिंग सुन के यार मेरे को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है जिंदगी में, क्या ये सामने वाला बॉट है या फिर बंदा। इसलिए मैं पेड़ के पीछे छुप छुप के आगे बढ़ता हूँ। भाई
पूरी स्क्वाड है तेरे लेफ्ट में, फुल भाग भी रहे लेट हुई। और ये दो बंदे भी अलग ही टीम के होते हैं। अब देखो टेंपल के पास आप कहीं पे भी भरोसा नहीं कर सकते किसी का, कौन बॉट है कौन बंदा कुछ पता नहीं चलता यहाँ। क्योंकि देखो टेंपल है बंदे घूम फिर के सस्ती जगह से लूट उठा के यहाँ पे रस करते हैं, और कुछ बंदे इनकी तरफ बॉट फायर करते हैं। तो हाँ यहाँ पे मैं बच गया यार, अंधा भक्ता तो शायद पेटी बन जाती सीधा। खैर यहाँ से हम ड्रॉप वगैरह उठाते हैं और बंदों को ढूंढने के लिए भटकते रहते हैं, कोई भी मिलके नहीं देता। बस वही शुरुआत की 13 के लिए पड़ी है मेरे पे। लेकिन आखिरकार ये ड्रॉप लूटने एक गाड़ी आती है। और इतने देर से बंदों के साथ साथ हमें गाड़ी भी नहीं मिली होती, सिर्फ और सिर्फ बग्गी होती है हम दोनों पे। क्या यही बग्गी लेके हम दोनों भाई यहाँ आगे रास कर देते हैं। अब मेरे को लगा था यार ये लोग यहाँ पहाड़ी पे रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होते ये लोग नीचे जाके रुकते हैं। और हमें बाद में पता चलता है कि ये लोग आखिर नीचे रुके क्यों। बाद में जाके जब मैं गाड़ी वगैरह बदलने की कोशिश करता हूँ, इनका पेट्रोल खाली पड़ा होता है। खैर गाड़ी गई कद्दू लेने, पहले मैं जरा लूट लेता हूँ, और लूटते लूटते ही गलत सीन चालू हो जाते हैं। अपने ऊपर टेंपल है। ओ ओम ओम ऊपर पे ऊपर से लिए हो। ओ भाई ले भाई ने दी दी भाई अप हो गया। अब हमारे भाई के सर के ऊपर टेंपल होता है और हमारे भाई सकोप खोल के टेंपल देख रहे होते हैं। जहां तक मेरे को पता है उतने में ही क्या होता है, टेंपल से बंदे नीचे उतर चुके होते हैं और वो स्नाइपर चिपका देते हैं। और मैं बचाने के लिए आता तो हूँ लेकिन पेटी बन चुकी होती है तब तक। मैं डालता हूँ पीछे, रुक जा। और इसीलिए अगर आप उड़ते टेंपल पे नहीं उड़ रहे हो खुद, तो उसके साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए। हमारे भाई ओपन में खड़े होके ऊपर देख रहे होते हैं, ये लोग वहाँ ऊपर से नीचे कूद चुके होते हैं और यहाँ साइड में आके भाई की पेटी बना जाते हैं और भाई सिर्फ टेंपल को देखते रह जाते हैं। खैर यहाँ पे मैं बदला ले ही लेता हूँ, और यार AWM मिल चुकी है तुम्हारे भाई को और ग्रोजा भी मिली है। तो हाँ इन लोगों ने टेंपल में बहुत मेहनत की थी, AWM ग्रोजा उठाई, हमारे भाई की पेटी बनाई और अब लॉबी में जा चुके हैं दोनों। और ये वाली AWM के साथ स्नाइपिंग करने में अलग ही मजा आ रहा है। जैसी पेटी बनती है हर एक की जगह पर्पल धुआं निकलता है, मजा आ जाता है देख के बिल्कुल। कैसे और मेरे ख्याल से हमारे भाई को नेट धोखा दे रहा होता है, बंदा उठ के बैठ जाता है लेकिन हिलता नहीं उस जगह से। और यार भाई की दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जाती, तो मैं पेटी बनाता हूँ और आगे लॉबी में भेज देता हूँ। और हाँ AWM से पेटी बनाता हूँ ताकि वो नजारा तो देखने मिले, वो जो पर्पल धुआं आता है यार मजा आ जाता है उसे देख के। खैर उसकी पेटी बना दी, और तुम्हारे कंजूस भाई ने कहाँ से निकाली है AWM, अगर आप देखना चाहते हो तो यार उसकी क्रेट ओपनिंग की वीडियो मैं दूसरे चैनल पे डाल दूंगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी थोड़ा नीचे की ओर, बहुत जल्द डालेंगे उधर। खैर यहाँ ऊपर पहाड़ी पे लड़ाइयाँ चल रही है। अब पहले यहाँ आके मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि भैया सीन क्या चल रहा है यहाँ पे, कितने बंदे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं और क्या चाहते हैं वो लोग जिंदगी में, क्या वो लड़ाई चाहते हैं या फिर सांप बनना चाहते हैं। तो मैं इधर उधर भटकता हूँ और फिर और लड़ाइयाँ हो जाती हैं यहाँ।
और अब तो भैया मेरे से रुका ना जाएगा। ऊपर से कोई मिनी चौदह चलाता है और किसी की पेटी बनाने वाला है, और यार वो पेटी बना दे इससे पहले मैं रस करने की कोशिश करता हूँ। मर गया यार ये बैरल वाला, मर गया। और अब टाइम आ गया है ग्रुजा को बढ़िया तरीके से चलाने का। एक और अलग और अब अगर मैं सीधा सीधा भगता हूँ तो भैया वो सांप मेरी पेटी बना जाएगा, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना साइड से फ्लैंक किया जाए। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं पूरे के पूरे चार बंदे भेज जाता हूँ। अब एक और टीम बाकी है, और जिस टीम से ये लोग पंगे ले रहे थे वो सामने बैठी पड़ी है। खैर मैं एक बंदे को हाथ में गोली तो भेजता हूँ लेकिन वो नॉक नहीं हो पाता। और यहाँ पे जो भी गोली मैं पेल रहा हूँ वो सारी गोली हाथों में ही लग रही है। और आखिरकार जाके एक बंदे के लगता है गलती से हेडशॉट, और इनका एक टीममेट मेरे ख्याल से घर के आसपास आ चुका है, तो रस करते हम लोग। अब ये बंदा न जाने क्यों जानबूझ के मुझे अपनी किल दे देता है। मेरे आंखों के सामने भाई आते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। और आगे मेरे ख्याल से रिवाइव चल रहा था, बस वो बंदा रिवाइव समूह के बिल्कुल कोने में आके देता है तो मेरे को दिख जाता है। खैर उसको अभी भगा के पेड़ के पीछे पहुंचा दिया है, और क्यों ना इसको भी एडब्ल्यूएम से पेरा जाए। और जब से तुम्हारे भाई को ये एडब्ल्यूएम की स्किन मिली है तब से मैं क्लोज रेंज में भी एडब्ल्यूएम ही चला रहा हूँ। यहाँ पे भी बंदे को क्लोज में पेला, पीछे भी क्लोज में पेला था, और आगे जाके भी बिल्कुल मुंह के पास पास खड़े होंगे बंदे, मुंह के पास नहीं लेकिन हाँ थोड़ा पास ही होंगे, उनको भी एडब्ल्यूएम से पेला जाएगा। अब बस गिने चुने दो ही बंदे बाकी हैं, और ये दोनों पहले तो हमसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद मैं एडब्ल्यूएम चिपका देता हूँ, तो हम मीटअप बोलने लगते हैं। खैर देखो यार क्या ही सीन होंगे इधर। अभी जोन छोटा हुआ जा रहा है और ये दो बंदों को मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब पहले मेरे को लगा था यार ये लोग सांप बन के खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन लोगों की अपनी चौड़ होती है यार, खड़े होके खेलते हैं लोग, और देखो कहाँ होते हैं। और यहाँ पे दोनों के दोनों बंदे एक पेड़ के पीछे बैठे होते हैं, और दोनों के दोनों तगड़ी गने चला रहे हैं यार। एक बंदा AKM चला रहा है और एक M4 चला रहा है, तो हाँ जो भी करना होगा ढंग से करना होगा, नहीं तो पेटी बनते टाइम लगेगा यार। अब ये दोनों के दोनों बंदे घर के अंदर पहुंच चुके हैं, और हमको पेलने के लिए ये लोग AKM वगैरह चलाते हैं, तो मैं निकलता हूँ अपनी AWM। नेड कर रहा हूँ, नेड आया बे, नहीं आया तो आया था इधर, अबे टीम अप करने के बोल रहा है राइट करना। और ये वाला नेड अपने को चिकन की ओर ले जाएगा। जाता है तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतने ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जाते जाते इस चिकन के लिए और यार इस AWM के हेडशॉट वगैरह के लिए एक लाइक ठुकना मत भूलना,
और आप AWM का खौफ देख रहे हो, बंदे इतना डर जाते हैं कि यार टीम अप करना चाहते हैं, ऐसे कैसे होगा? तो बस फायर यार आज के वीडियो में इतने, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जाते टॉप में। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत चीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। तो आज के वीडियो में इतने यार, कल मिलते हैं, बाय बाय।